मंदर बताइए दो टॉपिक अगले 2 घंटे के लिए। विशुम जी, पहला स्टॉक है पेटीएम। देखिए, इसका अगर एक थोड़ा लंबे अरसे का चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक रेजिस्टेंस बना हुआ था 845 के लेवल पे, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। ऐसे लग रहा है कि स्टॉक में एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 815 का स्टॉप लॉस होगा और 994 का टारगेट होगा। ये थोड़ा लंबे अरसे का व्यू है। और दूसरा जो स्टॉक है रिलायंस है। रिलायंस के केस में आज अगर देखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो इसमें बना था 2537 का, ये ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, तो ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक एक फ्रेश मूव स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये आज ब्रेकआउट बन रहा है। तो 2600 का तो इमीडिएट टारगेट लगता है इसमें, इसलिए इसमें बाय बनेगा। 2525 का स्टॉप लॉस होगा और 2600 का टारगेट होगा। ओके, तो रिलायंस जहाँ पे हम अभी एक्सपर्ट की टेक ले ही रहे थे, कुणाल भी पॉजिटिव होते हुए नज़र आए, वहीं अब आप देखिए टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी आपके सामने हैं। मंदार की तरफ से एक बाय रिकमेंडेशंस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, साथ ही पेटीएम पे भी इनका पॉजिटिव नज़रिया है। पर कुणाल, अब आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। स्टॉक की बात करें तो दो स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम मुझे लग रही है। सबसे पहला स्टॉक है एलएनटी फाइनेंस। तो आज के दिन में अगर एलएनटी फाइनेंस की बात करें, 111 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो लाइकली चांसेस है कि 2 घंटे में काफी अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, और अगर कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं तो काफी अच्छे टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट जो मुझे देखने को मिल रहा है वो है 114, 114 का टारगेट है एंड वो ब्रेक होते ही 118 का भी टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो एलएनटी फाइनेंस प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करने की सलाह बनेगी। एसएल हमारा 108 का यहाँ पे आएगा। ना वो दूसरा स्टॉक है नोवार्टिस इंडिया। जो स्टॉक में देखने जाए तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने देखने जाए तो 780 के लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ है। डेली चार्ट की बात करें तो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है एंड अभी 786 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ ये स्टॉक प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 761 761 के एसएल के साथ 810 का पहला टारगेट है, 810 का वो जैसे ही ब्रेक होगा 845 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो एलएनटी फाइनेंस एंड नोवार्टिस इंडिया दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह है। फाइनेंस होल्डिंग्स जहां पर 114 से 118 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं, और नोवार्टिस इंडिया 810 से 845 रुपए के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन चलिए